नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के बारे में। हम डेली चार्ट पर एनालिसिस करेंगे, फिर 15 मिनट के चार्ट पर इंट्राडे के लिए एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर डेली चार्ट पर बैंक निफ्टी जो हाइयर लेवल पर यहाँ पर सस्टेन किया है। देखिए, आज कोई भी मोमेंटम नहीं देखने मिला, सिर्फ यहाँ एक छोटा सा डोजी टाइप कैंडल बना है। देखिए, एकदम बहुत ही स्मॉल डोजी कैंडल बना है, जिसको हम फोर प्राइस डोजिन कहते हैं। ये किसी भी प्राइस के डायरेक्शन को नहीं दिखाता है, ना तो ये बुलिस को ना तो बेरिस को। लेकिन पहले से हम क्या है, बुलिस है। एक स्ट्रांग मोमेंटम हम नीचे से ऊपर देखने मिला है, तो यहाँ पर मोमेंटम जो है थोड़ा सा स्लो हुआ है, लेकिन हाइयर लेवल पे बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है। अगर यहीं पर सस्टेन करता है, ये जो लेवल है जो कि इस रेड कैंडल का लो बना है वो है 37,250, तो अगर यहाँ पर नीचे सस्टेन कर रहा होता तो हम मानते कि इसको ब्रेक करने के बाद एक हमें स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड मोमेंटम देखने मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हाई लेवल सस्टेन कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर बैंक निफ्टी या तो साइडवेज हो जाए, या यहाँ पर ये जो हाई लगाया आज का इसको निकालता है कल, तो हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकता है, जो कि 38,415 का लेवल है, 420 का लेवल है, उसके ऊपर निकलता है तो फिर हमें 500 के ऊपर निकलने पर, 38,500 के ऊपर निकलने पर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बैंक निफ्टी में ऊपर की ओर देखने मिल सकता है। लेकिन देखिए, अपसाइड मोमेंटम जो है काफ़ी कम बचा है, क्योंकि यहाँ पर एक सप्लाई जोन है, तो सप्लाई जोन के पास पहुँच चुका है यहाँ पर बैंक निफ्टी, वो है 38,700 से लेकर के 39,000 का लेवल, ये एक सप्लाई जोन है। तो यहाँ से कभी भी हमें बैंक निफ्टी में सेलिंग भी देखने मिल सकता है और बैंक निफ्टी एक डिप दिखा सकता है। तो देखिए, डिप भी दिखाए तो बाय ऑन डिप करना है हमें, तो बैंक निफ्टी को बाय कर लीजिए बाय ऑन डिप, या बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स है जैसे HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक, उसको आप बाय कर सकते हैं बाय ऑन डिप पर। फिलहाल हम बुलिस है और पूरी तरह से ये अपर लेवल पे ये सस्टेन कर रहा है। ये वीक कब होगा, जब ये यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे। देखिए, इस ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक करेगा तब बैंक निफ्टी यहाँ पर बेरिश होगा। अब हम बात करेंगे इंट्राडे के लिए, और इंट्राडे के लिए हम 15 मिनट पर एनालिसिस करेंगे क्या लेवल इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखिए, कल मैंने बात किया था ये लेवल इंपॉर्टेंट है, जो कि 38,150 का लेवल, इसको ब्रेक करता है तो फिर बैंक निफ्टी 38,000 के लेवल तक मूव कर सकता है नीचे। वहीं अगर ऊपर ये 38,300 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हमें ऊपर एक मोमेंटम देखने मिलेगा। तो आज देखिए किस तरह से ओपनिंग तो 300 के ऊपर हुआ और यहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम दिखाया, तो जिन्होंने भी यहाँ पर बाय किया होगा उनको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा होगा, उनके प्रॉफिट बुकिंग के कारण यहाँ पर एक सेलिंग देखने मिला और फिर से यहाँ पर इसी रीजन पे सपोर्ट लेता है, जो कि पिछले दिन का यहाँ पर रेंज था 38,150 के ऊपर सपोर्ट लेता है और फिर से मोमेंटम करता है और फिर से वहीं से रिजेक्ट होता है प्राइस जहाँ से पहली बार यहाँ पर रिजेक्ट हुआ था, और यहाँ पर एक साइडवेज मार्केट हमें देखने मिला। तो यहाँ पर अगर आपने ऊपर के कॉल को शॉर्ट कर दिया रहता, सेल कर दिया रहता और नीचे के पुट को, तो अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट होता, तो आज जो दिन था पूरी तरह से स्टेडल और स्टेंगल वालों के लिए था। इसी तरह जब आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा, देखिए कल एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने मिला तो आज हमें एक साइडवेज मार्केट देखने मिला। ये ट्रेंडिंग मार्केट और साइडवेज मार्केट हमें किस तरह से देखने मिलता है, तो देखिए मार्केट जो होता है एक एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्म में चलता है। तो मार्केट यहाँ पर देखिए एक्सपेंड हुआ, फिर यहाँ पर मार्केट एक कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ देखने मिला, फिर जैसे इस रेंज को ब्रेक करता है या नीचे के रेंज लेवल को ब्रेक करे या ऊपर के लेवल के, फिर हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने मिलेगा। तो हम इंतजार करेंगे, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो ऊपर का लेवल होगा 38,400 का लेवल, इसको ब्रेक करता है तो फिर 38,520 या 38,600 लेवल तक हमें देखने मिलेगा। अगर यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होता है तब काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन या काफ़ी ज़्यादा गैप अप होने पर फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करेंगे। देखिए, आज जो यहाँ पर ओपनिंग हुआ वो लगभग रेंज के पास ही हुआ, बस थोड़ा सा यहाँ पर गैप अप हुआ तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला। काफ़ी ज़्यादा गैप अप होगा तो और ज़्यादा वहाँ पर प्रॉफिट आपको देखने मिलेगा। अब काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन हो जाता है तो फिर वहाँ के प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो फ्लैट ओपन होता है तब ये रेंज काम करेगा, वो रेंज क्या है, तो देखिए ऊपर का जो हमारा लेवल है वो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है, वो है 380 से लेके यहाँ पर 400 तक का लेवल, और जो नीचे का इम्पॉर्टेंट लेवल है वो हमारा यही लेवल है जो कि यहाँ पर हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है 150 का लेवल। तो ये एक रेंज है 38,150 से लेकर के यहाँ पर 190 तक का जो रेंज है, ये हमारा सपोर्ट या कहें डिमांड रीजन का काम कर रहा है और ये सप्लाई रीजन है। तो जैसे इसको दो में से किसी एक लेवल को ब्रेक करता है तो हमें वहाँ पर एक
एक्सपेंशन देखने मिलेगा। तो जो प्राइस चलता है वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्म में चलता है। तो यहाँ पर प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, एक रेंज में है। जैसे इस रेंज को ब्रेक करेगा तो फिर से एक बार प्राइस एक्सपेंड होगा, हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने मिलेगा। इन दोनों इंपॉर्टेंट लेवल को आपको माइंड में रखना है और ये तब काम करेगा जब प्राइस यहाँ पर इसी रेंज में ओपन हो, रेंज में ओपन होने के बाद इस रेंज को ब्रेक करे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसी तरह के एजुकेशन इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।